नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट्स के अंदर अभी तक तो एक अच्छी तेजी जारी है पिछले 5 दिनों से। आज के दिन में यानी कि वेनेसडे के दिन में थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। 150 से 200 पॉइंट की रेंज आप निफ्टी की पकड़ के चले, 17,300 ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा, 17,100 ये नीचे में सपोर्ट बनेगा। कोई भी इंट्राडे डिप अगर आता है तो उसमें आप खरीदारी करें, क्योंकि यहां से आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों से मेरा मतलब है 1 से 2 दिनों के अंदर या 2 से 3 दिनों के अंदर। तो डिप्स में आपको खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रखना है। 17,300 का लेवल टूटने के बाद ये मूव एक्सटेंड होगा और हमें और ऊपर के मूव निफ्टी के अंदर फिर देखने को मिलेंगे, जिसमें 17,400 से 17,500 तक का मूव इसी हफ्ते में निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो डिप्स में खरीदारी करें। और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा अभी दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर छोटा सा दबाव आ सकता है 200 से 300 पॉइंट का। तो कोई भी ऐसा डिप आता है तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। जैसे कि लास्ट 2 दिन से हम बता रहे हैं 35,300 के आसपास का बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा 35,300 का, तो उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा और फिर 700 से 1000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यानी 36,000 से 36,500 तक का मूव बैंक निफ्टी में फिर 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। बायस पॉजिटिव है, डिप्स में खरीदारी करें। आज इंट्राडे में थोड़ा सा करेक्शन या साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। अब आज के स्टॉक की अगर बात करते हैं तो एक एफएमसीजी काउंटर का दिग्गज स्टॉक है, जिसके अंदर आपको निवेश करना है, पोजिशनली स्टॉक को होल्ड करना है और आने वाले कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में स्टॉक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है वो है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये स्टॉक में पिछले 3 महीने में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। हमें 2800 के लेवल्स के आसपास से दबाव देखने को मिला और स्टॉक 2200 तक आ चुका है। अब ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। HUL के अंदर आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें 2300-2315 के आसपास, जो कि करंट मार्केट प्राइस है। कोई भी डिप अगर आता है 30-40 पॉइंट का तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। नीचे में जो HUL का सपोर्ट है 2250-2200 के आसपास है, 2250-2200 के आसपास है। ऊपर में यहां से ये मूव में पहला टारगेट जो ऊपर में दिखाएगा 2450 से 2500 के आसपास का दिखाएगा। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के HUL के टारगेट होंगे। एक बार स्टॉक 2500 का लेवल क्रॉस करेगा तो 2650 तक का मूव पोजिशनली HUL दिखाएगा। कहने का मतलब HUL में अब करेक्शन खत्म होके कंसोलिडेशन देखने के बाद अब ऊपर का मूव शुरुआत होना चाहिए। तो आप लोग इसके अंदर पोजीशंस बनाना स्टार्ट करें, आप लोग इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें। जो स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूं ट्रेडिंग के लिहाज से वो आप लोग ध्यान में रखें 2200। जो पोजीशनली लेना चाहते हैं उनकी नीचे में लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, एवरेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रख के होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा होने पर आप लोग लोअर लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं। और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो 2200 का स्टॉप लॉस लगाएं। 2450 से 2500 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और 2650 ओवरऑल पोजिशनल लॉन्ग टर्म के टारगेट होंगे। तो आज का स्टॉक है HUL। आज की वीडियो में इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।